अस्सलाम वालेकुम जी। 10th क्लास फिज़िक्स, आज हम इसके लॉन्ग क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। इससे पहले फिज़िक्स के जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन थे, हमने उन पर एक लेक्चर तैयार किया और आज हम फिज़िक्स के लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। आप इन क्वेश्चंस को अच्छी तरह से तैयार करें, इंशाल्लाह लॉन्ग क्वेश्चंस थ्योरी इन्हीं सवालों में से आएंगे। सिंपल हार्मोनिक मोशन की चार खसूसियात बयान करें। डिस्क्राइब फोर फीचर्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। म्यूचुअल इंडक्शन से क्या मुराद है, वजाहत करें। व्हाट इज म्यूचुअल इंडक्शन, एक्सप्लेन। यूनिट नंबर 12, इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हैं उन पर निशान लगाएं। क्वेश्चन नंबर 1, करैक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। डिफाइन इंटेंसिटी एंड राइट अ नोट ऑन इंटेंसिटी लेवल। डिस्कस द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। इम्पोर्टेंस ऑफ एक्यूस्टिक्स। यूजेज ऑफ अल्ट्रासाउंड। बैकग्राउंड रेडिएशन से क्या मुराद है, मुख्तसर बयान करें। व्हाट इज मेंट बाई बैकग्राउंड रेडिएशन, डिस्क्राइब ब्रीफली। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के ज़रिए इलेक्ट्रॉन्स की डिफ्लेक्शन की वजाहत करें। एक्सप्लेन द डिफ्लेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। आर गेट क्या है, इसकी अलामती डायग्राम और ट्रुथ टेबल बनाएं। व्हाट इज़ आर गेट, ड्रा द सिंबॉलिक डायग्राम एंड ट्रुथ टेबल। डिफाइन सिंपल हार्मोनिक मोशन। Prove that motion of mass attached to spring is simple harmonic motion. Simple harmonic motion की तारीफ करें। साबित करें कि spring से मुंसलिक जिस्म की motion simple harmonic motion है। Describe in detail deflections of electrons by electric field and magnetic field. Electric field की और magnetic field के ज़रिए electrons की deflection की वजाहत करें। रेडियो वेव्स की खला में ट्रांसमिशन की मुख्तसर वजाहत करें।
एक्सप्लेन ब्रीफली द ट्रांसमिशन ऑफ रेडियो वेव्स थ्रू स्पेस। एक्सप्लेन रिफ्रैक्शंस ऑफ वेव्स विद रेफरेंस टू रिपल टैंक एक्सपेरिमेंट। रिपल टैंक तजर्बे की रूह से वेव्स की रिफ्रैक्शन की वजाहत करें। कैथोड रे ओसिलोस्कोप किसे कहते हैं, इसके मुख्तलिफ हिस्सों की वजाहत करें। व्हाट इज़ कैथोड रे ओसिलोस्कोप्स, एक्सप्लेन इट्स डिफरेंट पार्ट्स। एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कैथोड रेज ऑसिलोस्कोप्स। लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव्स के दरमियान फ़र्क की वजाहत करें। डिस्टिंग्यूश बिटवीन लॉन्गिट्यूडनल्स एंड ट्रांसवर्स वेव्स विद सूटेबल एग्जाम्पल। एक्सप्लेन द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ वेव्स विद रिफरेंस टू रिपल टैंक एक्सपेरिमेंट। नंबर वन रिफ्रैक्शन और टू डिफ्रैक्शन। रिपल टैंक तजर्बे की रूह से मुजरजा ज़ेल वेव्स की खसूसियात की वजाहत करें। रिफ्रैक्शन और नंबर टू डिफ्रैक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड के ज़रिए इलेक्ट्रॉन्स की डिफ्लेक्शन पर नोट लिखें। राइट अ नोट ऑन डिफ्लेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। अल्फा डीके की जनरल मसावात पर नोट लिखें और मिसाल दें। राइट अ नोट ऑन अल्फा डीके जनरल इक्वेशन एंड गिव एग्जांपल आल्सो। सिंपल हार्मोनिक मोशन की अहम खसूसियात लिखिए और बाल और बाउल सिस्टम की मिसाल से इसकी वजाहत करें। राइट डाउन इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड एक्सप्लेन इट विद बाल एंड बाउल सिस्टम। व्हाट आर थ्री यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स, गिव देयर सिंबल्स एंड ट्रुथ टेबल। डिफाइन वेव मोशन, एक्सप्लेन द टाइप ऑफ मैकेनिकल वेव्स इन डिटेल। वेव मोशन की तारीफ करें, मैकेनिकल वेव्स की इकसाम तफसील से वजाहत करें। एंड गेट और आर गेट क्या होते हैं, एक सादा सर्किट के ज़रिए इनकी वजाहत करें और इनकी लॉजिक अलामतें और ट्रुथ टेबल बनाइए। व्हाट आर एंड गेट एंड और गेट, एक्सप्लेन देम विद अ सिंपल सर्किट एंड ड्रॉ देयर लॉजिकल सिंबल एंड ट्रुथ टेबल। एक्सप्लेन द रोल ऑफ इलेक्ट्रॉन गन इन कैथोड रे ऑसिलोस्कोप।
रेडिएशन के दो आम खतरात और उनसे बचाव की हिफाजती तदाबीर बयान कीजिए। व्हाट आर टू कॉमन रेडिएशन हैजर्ड्स, ब्रीफली डिस्क्राइब द प्रिकॉशंस डैट आर टेकन अगेंस्ट देम। रिपल टैंक तजर्बे की रूह से वेव्स की रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन की वजाहत करें। एक्सप्लेन द रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स विद रेफरेंस टू द रिपल टैंक एक्सपेरिमेंट। राइट अ नोट ऑन एसी जनरेटर। Describe the working of fluorescent screen in cathode ray oscilloscope. Drive a relationship between speed, frequency and wavelength of a waves. वेव की स्पीड, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के दरमियान ताल्लुक की मसावात आखज़ करें। व्हाट इज़ मेंट बाय फिशन रिएक्शन, एक्सप्लेन इट विद एग्जांपल। फिशन रिएक्शन से क्या मुराद है, मिसाल से वजाहत करें। ये आपके थ्योरी के लॉन्ग क्वेश्चन थे जो मैंने आपको बताए। इसके बाद आपका सेकंड पार्ट न्यूमेरिकल का होगा। आप न्यूमेरिकल के लिए यूनिट नंबर 12 और 13 अच्छी तरह से तैयार कर लें। और अगर कोई स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 उसको अटेंड करना चाहता है तो वो यूनिट नंबर 14 के न्यूमेरिकल करे। यूनिट नंबर 14 से न्यूमेरिकल होगा और यूनिट नंबर 18 से थ्योरी ली जाएगी। अल्लाह हाफिज़।